नमस्कार, न्यूज बाइसेस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। दुकान खोलने की मांग को लेकर एक बार फिर से मोराबादी के दुकानदार मान्या पैलेस के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को नगर निगम की ओर से नया आदेश के बाद तमाम मोराबादी के दुकानदार एक बार फिर से धरना पर बैठ गए हैं। आप पहले तो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि फुटपाथ दुकानदार यानी कि मोराबादी के तमाम दुकानदार अब यहां पर बैठकर फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि अब आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि नगर निगम की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है कि अब नया जगह पर इन्हें दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रोशन जी, पहले ये बताइए आगे अब आप लोगों की क्या रणनीति होगी। देखिए, आज 15 दिन से हम लोग आंदोलनरत हैं, धरना पे हैं। दो दो बार हम लोगों का धरना तोड़वाया गया, जमीन दे दिया गया, उसके बाद भी वादा खिलाफी पे उतरी है रांची नगर निगम प्रबंधन। तो हम लोग इन लड़ाई को छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे हक की लड़ाई है, रोजी रोटी की लड़ाई है। 1200 परिवारों के घरों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। किसी भी सूरत पे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जरूरत पड़ेगा तो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर हमारी न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा तो न्यायालय से न्याय मांगेंगे, लेकिन हर हालत में हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। एक बात बताइए, आप लोग भूमि पूजन भी कर चुके थे नए जगह पर, आप लोगों के साथ अधिकारी भी शरीक हुए थे, उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि आप लोगों को वो जगह वापस ले लिया गया नगर निगम की ओर से? देखिए, रांची नगर निगम और जिला प्रशासन, इन लोगों में आपस में समन्वय की कमी है। अंदर खाने की खबर ये है कि रांची नगर निगम के द्वारा आंदोलन को समाप्त कराने के लिए आनन फानन में जल्दबाजी में हम लोगों को जमीन अलॉट कर दिया गया। 2 दिन उन्होंने जेसीबी भी चलाया, उसमें हमको लगता है निगम की तरफ से लाख रुपए खर्चे भी किए गए। जगह का समतलीकरण किया गया, वहाँ पे कितना 50 ट्रैक्टर मिट्टी गिराई गई, साफ सफाई किया गया। 2 दिन तक जो है अपर नगर आयुक्त खुद खड़ा होकर सारा काम कराएं, और जिला प्रशासन मुझे लगता है कि उसके बाद इन लोगों का जो है मना किया होगा, तो इन्होंने जो है हमको मना कर दिया कि आप नहीं लगा सकते। भूमि पूजन कार्यक्रम में सभी टोटल नगर निगम के पदाधिकारी मौजूद थे। उसके बाद हम लोग दुकान शिफ्ट किए, 15 दुकान हम लोग का लग भी चुका था, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया। ये वादा खिलाफी, हम लोगों का भरोसा नहीं रह गया इन पे, रांची नगर निगम पे, जिला प्रशासन पे हमें एकदम भरोसा नहीं है। अब जो भारत की न्याय प्रणाली है, हमको उसमें व्यवस्था है, हम लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के माध्यम से इंसाफ लेंगे और हर आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे। क्या उसके बाद से आप लोगों की नगर निगम की कोई भी लोगों से बात हुई, आला अधिकारी से बात हुई, या फिर नगर निगम आप लोग गए क्या इस संबंध में? देखिए, जब दो दो बार वादा खिलाफी हो जाए तो इन पे विश्वास करना बिल्कुल बेमानी सी बात है। तो अब इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने आज कह देंगे कि लगा दे रहे हैं, कल फिर बोलेंगे नहीं मत लगाओ। मतलब ये बहुत बचकानी बातें करते हैं, गंभीर बिल्कुल नहीं है। नगर निगम प्रबंधन पूरी तरह फेल है। गरीब गुरबा के हक और अधिकार के लिए, गरीबों की रोजी रोटी के प्रति बिल्कुल उदासीन है। आज 15 दिन से हम लोग आंदोलनरत हैं, आप सोच सकते हैं। हम लोग वैसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों, प्रभावित लोगों को अगर आप राहत नहीं पहुंचा पा रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि रांची नगर निगम प्रबंधन कोई किसी भी मसले पर गंभीर होगी। नगर निगम की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग आपस में ही भिड़ गए थे, जिसके बाद वो ये डिसीजन लिए है, ये आदेश आप लोगों के लिए जारी किए हैं। मैंने आपसे अभी कहा कि नगर निगम बिल्कुल बेतुकी बातें कर रही है और बलि का बकरा बना रही है। जैसे ठीक ये कहानी ठीक उसी तरह है कि जिस तरह जब गोलियां चलाई गैंगस्टर ने और परिवार चलाने वालों को तकलीफ हो गई, उसी तरह जो है रांची नगर निगम जो है, अगर दो लोग तूतू मैमे कर लिया आपस में, तो क्या 1200 परिवार भूखे मर जाएगा? ये बिल्कुल बेतुकी बातें रांची नगर निगम के द्वारा की गई हैं। तो हम लोग उसी के विरोध में अब हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वहाँ हम लोग को न्यायालय में आस्था है, अगर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो कोर्ट हमारी बात सुनेगी। भारत का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है। मतलब आप लोग अपनी समस्या लेकर हाईकोर्ट जाएंगे? निश्चित रूप से, अब हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बच रहा है, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग को हाईकोर्ट ही जाना चाहिए। नगर निगम की ओर से नया आदेश के बाद तमाम जो दुकानदार है वो एक बार फिर से धरने पर बैठ गए। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से 15 दिनों से दुकान बंद है, इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से नगर निगम की ओर से एक नया जगह आवंटित किया गया था, वहां पर भूमि पूजन भी की गई थी और तमाम जो आला अधिकारी या फिर नगर निगम के तमाम जो अधिकारी है वहां शरीक हुए थे, भूमि पूजन में शरीक हुए थे, और उसके बाद नया आदेश जारी किया जाता है नगर निगम की ओर से कि अब ये जगह तमाम दुकानदारों को नहीं मिल सकती है।
जिसके बाद से तमाम जो दुकानदार है, मोरहाबादी के दुकानदार है, वो फिर से धरने पर बैठ गए। इनका साफ तौर पे कहना है कि नगर निगम के द्वारा छल किया गया है। एक और जहां नगर निगम बार बार ये कह रही थी कि आप लोगों को नया जगह आवंटित किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नगर निगम की ओर से नया आदेश के बाद तमाम जो दुकानदार है एक बार फिर से मान्या पैलेस के समक्ष बैठ गए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अब ये लोग हाई कोर्ट का रुख करेंगे। कैमरा सहयोगी संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइसेस्कोप रांची।